प्रशांत किशोर ने शरद पवार से हाल ही में 3 घंटे तक बातचीत की, जिसके बाद से सियासी गलियारों में बातचीत का दौर गर्म हो गया। वहीं प्रशांत किशोर और शरद पवार की बातचीत पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि इसका परिणाम नरेंद्र मोदी और एनडीए पर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 2019 में प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ नहीं थे, फिर भी बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। रामदास अठावले ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो प्रशांत किशोर जी है, जिन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ा सहयोग दिया था, अभी उन्होंने जहाँ जहाँ मतलब सलाह दी, वहाँ वहाँ उस पार्टी को सत्ता मिली है। लेकिन 2019 में प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ नहीं थे, एनडीए के साथ नहीं थे, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी को 303 सीटें लेकर बीजेपी को सफलता देने का बहुत बड़ा काम नरेंद्र मोदी ने किया था। तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कितना भी अपोजिशन स्ट्रांग करने की कोशिश हो, उसमें उतना कोई दम नहीं होगा। और 2024 में दोबारा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसीलिए मुझे लगता है कि पवार साहब के साथ। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।